गाइस आज है डे फोर्थ और आज हम सीखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस। आप लोग जानते हैं कि मेरी सीरीज चल रही है जीरो टू हीरो, जिसमें हम बेसिक टू एडवांस कंप्लीट सारी चीजें सीखेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट डे से क्लासेस नहीं देखी है, आप न्यू है, तो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी बेसिक चीजें बताई हुई है जो कि इंग्लिश बोलना स्टार्ट करने के लिए जरूरी है। तो अगर आपने नहीं देखी है जरूर देखिएगा, ये सीरीज पूरी कंप्लीट करिएगा, क्योंकि ऐसी चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेगी जो मैंने अपने पेड कोर्सेस में भी नहीं पढ़ाई है। सो गाइस आज की क्लास भी हमेशा की तरह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि डे टू डे लाइफ में जो फ्रेजेस यूज होते हैं उनका कलेक्शन मैंने आप लोगों के लिए लिया हुआ है। जस्ट लीव इट टू मी, मुझ पर छोड़ दो, आई विश आई कुड, काश मैं कर पाती, बिकॉज ऑफ सम रीजंस, कुछ कारणों से, ऐसे काफी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस है जो मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ में सिखाऊंगी। आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करना है और वीडियो का एंड तक जरूर बने रहना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजेस है, इनके बिना आप डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस नहीं बना सकते हैं। तो चलिए गाइस क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। गाइस अगर हम लोग बात करें हमारे सबसे पहले फ्रेज की, लिव इट टू मी, देखिए इसका मतलब क्या होता है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। इसका मतलब होता है मुझ पर छोड़ दो। आप अपने डे टू डे लाइफ में अक्सर ऐसा बोलते हैं, यार ये तो मुझ पर छोड़ दो, मैं कर लूंगा, ठीक है, तुम तो रहने दो, तुमसे नहीं होगा, तुम ये मुझ पर छोड़ दो। तो मुझ पर छोड़ दो के लिए आपको लिव इट टू मी का यूज करना होता है। इसके बाद या पहले आप जो भी सेंटेंस लगाना चाहे लगा सकते हैं, जैसे लिव इट टू मी, आई विल मैनेज, मुझ पर छोड़ दो, मैं मैनेज कर लूंगा। यू कांट डू एनीथिंग, लिव इट टू मी, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, सब मुझ पर छोड़ दो, लिव इट टू मी, यह मुझ पर छोड़ दो। इट्स नॉट योर कप ऑफ टी, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है, कप ऑफ टी मतलब बस की बात, तो इट्स नॉट योर कप ऑफ टी, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है, लिव इट टू मी, यह मुझ पर छोड़ दो। क्लियर? तो जब भी आपको बोलना हो मुझ पर छोड़ दो, आप लिव इट टू मी का यूज करेंगे। जैसे तुम यह नहीं कर पाओगे, ये तुम मुझ पे छोड़ दो, यू वॉन्ट बी एबल टू डू इट, लिव इट टू मी। क्लियर? याद कर लीजिए, आपको याद भी करते चलना है, लिव इट टू मी मतलब मुझ पर छोड़ दो। गाइस नेक्स्ट है हमारा आई विश आई कुड, इसका हिंदी होता है काश मैं कर पाती, काश मैं किसी काम को कर पाती। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, काश मैं इंग्लिश बोल पाती, काश मैं उसकी मदद कर पाती, काश मैं उसकी मदद कर पाती, काश मैं यहाँ आ पाती, काश वह तुमसे मिल पाता। तो ऐसे सेंटेंसेस हम लोग आई विश आई कुड में बनाते हैं। जैसे आई विश आई कुड पास इन एग्जाम, काश मैं एग्जाम में पास हो पाती। आई विश वी कुड विन द मैच, काश हम मैच जीत पाते। आई विश आई कुड मीट हिम, काश मैं उससे मिल पाती। तो सेकेंड सेंटेंसेस के लिए आपको कुड का यूज करना है। जैसे काश मैं तुमसे इंग्लिश में बात कर पाती, आई विश आई कुड टॉक टू यू इन इंग्लिश, काश मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाती, आई विश आई कुड सॉल्व योर प्रॉब्लम। क्लियर? तो आई विश आई कुड का मतलब होता है गाइस काश हम किसी काम को कर पाते। नेक्स्ट है गाइस बिकॉज ऑफ सम रीजंस, इसका मतलब होता है कुछ कारणों से बोलते हैं ना, यार कुछ कारणों से मैं वहाँ नहीं जा पाई, कुछ कारणों से मीटिंग कैंसिल हो गई, कुछ कारणों से ऐसा नहीं हो पाया, लाइक दिस। तो ऐसा बोलने के लिए हमें इंग्लिश में यूज़ करना होता है बिकॉज ऑफ सम रीजंस। जैसे शी डिडंट कम बिकॉज ऑफ सम रीजंस, कुछ कारणों से वह यहाँ नहीं आ पाई। तो हमारा जो भी पहला सेंटेंस है हमें वो लगा देना है और फिर हमें ये वाला फ्रेज यूज कर लेना है बिकॉज ऑफ सम रीजंस। नेक्स्ट है माय बर्थडे पार्टी हैज स्पॉइल्ड, मेरी बर्थडे पार्टी खराब हो चुकी है, बेकार हो चुकी है, बिकॉज ऑफ सम रीजंस, कुछ कारणों से। नेक्स्ट है आई लेफ्ट दिस जॉब, मैंने यह जॉब छोड़ दी, पास्ट का टेंस है। तो मैंने यह जॉब छोड़ दी बिकॉज ऑफ सम रीजंस, कुछ कारणों से, तो कुछ कारणों से मैंने यह जॉब छोड़ दी। क्लियर? तो जब भी ऐसे सेंटेंसेस आते हैं, जैसे कुछ कारणों से उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया, कुछ कारणवश वह यहाँ नहीं आ सका, तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको बिकॉज ऑफ सम रीजंस का यूज़ करना होता है। जैसे कि जो भी फ्रेज आप पढ़ रहे ना, मैं चाहूँगी हर फ्रेज के दो दो एग्जांपल्स आप खुद भी बनाइए हिंदी इंग्लिश दोनों में, ताकि आपको इसका सही यूज़ करना आ जाए। नेक्स्ट हमारा फ्रेज है बाय द मर्सी ऑफ गॉड, देखिए ये तो काफी ज्यादा यूज होता है, इसका मतलब होता है भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से, भगवान की दया से। जैसे योर बिजनेस इज ग्रोइंग बाय द मर्सी ऑफ गॉड, भगवान की कृपा से, भगवान की दया से आपका जो बिजनेस है वो काफी ग्रो हो रहा है। तो योर बिजनेस इज ग्रोइंग, आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है बाय द मर्सी ऑफ गॉड, भगवान की कृपा से। ही देखिए
भगवान की कृपा से आपका जो बिजनेस है वो ग्रो कर रहा है। ही पास द एग्जाम बाय द मर्सी ऑफ गॉड, भगवान की कृपा से उसने एग्जाम पास कर ली, वह एग्जाम में पास हो गया। मान लीजिए कोई बार बार फेल हो रहा था लेकिन अब वो पास हो गया, तो हम सिंपली ये सेंटेंस बना सकते हैं, माई फादर गॉट न्यू जॉब एन एमएनसी कंपनी बाय द मर्सी ऑफ गॉड, भगवान की कृपा से मेरे पापा को एमएनसी कंपनी में जॉब मिल गई। क्लियर? तो जब भी आपको ऐसा बोलना है आप यहाँ पर बाय द मर्सी ऑफ गॉड लगाएंगे भगवान की कृपा से बोलने के लिए, और आपके बाद में या पहले जो भी सेंटेंस है वो आप लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है फॉर श्योर। देखिए इसका मतलब होता है पक्का, निश्चित ही है ना। हम अक्सर ऐसा बोलते हैं यार वो यार पक्का आएगी, वो यार निश्चित ही आएगा, पक्का मैं इस काम को कर लूँगी, निश्चित मैं इस काम को कर लूँगी। तो ऐसे सेंटेंसेस छोटे छोटे से बनाने के लिए हम फॉर श्योर का यूज़ करते हैं। फ्रॉम नेक्स्ट ईयर वी विल गो फॉर श्योर, अगले साल से हम पक्का जाएंगे, वी विल गो फॉर श्योर। लास्ट में लगा दीजिए हम ऐसा करेंगे, हम पक्का ऐसा करेंगे, वी विल डू दैट फॉर श्योर, राइट? या फिर हम बोल सकते हैं शी विल कम हियर, शी कैन कम हियर फॉर श्योर, वह पक्का ही यहाँ आ सकती है, वह निश्चित ही यहाँ आ सकती है, इस तरह से। वैसे ही We cannot stay for sure what will happen. We cannot say, है ना, हम बोल नहीं सकते कि क्या होगा, हम पक्का नहीं बोल सकते कि क्या होगा, इस तरह से। He wasn't using drugs. वह पक्का ड्रग्स यूज़ नहीं कर रहा था, दैट्स फॉर श्योर, यह निश्चित है कि वह ड्रग यूज़ नहीं कर रहा था। तो जब भी आपको फॉर श्योर दिखे आप समझ जाइए कि ये यहाँ पर यूज़ हुआ है पक्का, निश्चित बोलने के लिए। नेक्स्ट है गाइस सूनर और लेटर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है कभी ना कभी। देखिए ये सेंटेंस के आप कोशिश करिए लास्ट में लगाइए, जैसे हम बोलते हैं ना कभी वह तुम्हारी मदद करेगा, कभी ना कभी हम इस काम को कर लेंगे, कभी ना कभी उसे जॉब मिल जाएगी। तो इतना कभी ना कभी बोलने के लिए हमें सूनर और लेटर को सबसे लास्ट में लगाना है, जैसे ही विल रिग्रेट फॉर हिज मिस्टेक सूनर और लेटर, वह अपनी गलती के लिए कभी ना कभी पछताएगा, उसे कभी ना कभी पछतावा होगा अपनी गलती के लिए। तो ही विल रिग्रेट फॉर हिज मिस्टेक्स सूनर और लेटर। He will call me, वह मुझे कॉल करेगा कभी ना कभी, पूरा अगर देखे तो कभी ना कभी वह मुझे कॉल करेगा। He will call me sooner or later. He will be famous sooner or later. कभी ना कभी तो वह famous हो जाएगा। वैसे ही कभी ना कभी तो आप English में बात कर ही सकते हो, You can talk in English sooner or later. या फिर कभी ना कभी हम वहाँ जाएंगे, We will go there sooner or later. Clear? तो जब भी हमें ऐसा बोलना हो कि कभी न कभी हम ऐसा करेंगे, कभी न कभी ये होगा, तो हमें वहाँ पर sooner or later का यूज़ करना है। नेक्स्ट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसका मतलब होता है गाइस पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, ठीक है, पूरी दुनिया में या फिर पूरे विश्व में। जैसे आई कांट गेट दिस टाइप ऑफ ड्रेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस काफ़ी अच्छा फ्रेज है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे इस तरह की ड्रेस पूरी दुनिया में नहीं मिल सकती, आई कांट गेट दिस टाइप ऑफ ड्रेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। वी कांट फाइंड कोचिंग लाइक PI ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब हम PI की तरह कोचिंग हमें पूरी दुनिया में नहीं मिल सकती। PI पर्सोना इंस्टीट्यूट, राइट, ये भी एक हमारा चैनल है, इसको भी आप देख सकते हैं। No one can pay like सचिन तेंदुलकर all over the world. पूरी दुनिया में सचिन तेंदुलकर की तरह कोई भी नहीं खेल सकता है। तो जब भी आपको ऐसा बोलना हो कि इसकी तरह कोई भी नहीं खेल सकता है, वहाँ आपको मतलब आपको ये बोलना हो कि पूरी दुनिया में, तो आप वहाँ पर सुनर और लेटर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइस हमारा फ्रेज दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारा फ्रेज है इन द स्कॉर्चिंग सन, मतलब यानी कि बहुत ज़्यादा धूप में, कड़कती धूप में, ऐसा हम बोलते हैं ना अभी गर्मी के सीज़न में कि यार इतनी तेज धूप में तो मैं नहीं जाऊँगा, जल्दी धूप में, लाइक दिस। तो फार्मर्स वर्क इन द स्कॉर्चिंग सन, मतलब जो फार्मर्स है, किसान होते हैं, वो बहुत ही कड़ी धूप में काम करते हैं, बहुत ही तेज धूप में काम करते हैं। आई वेंट देयर फॉर हिम, मैं उसके लिए वहाँ पर गया इन द स्कॉर्चिंग सन, मतलब बहुत ही ज़्यादा धूप में, बहुत ही तेज धूप में मैं उसके लिए वहाँ पर गया। माई बाइक इज पार्क्ड इन द स्कॉर्चिंग सन, मेरी जो बाइक है वो बहुत तेज धूप में पार्क है। क्लियर? तो जब भी आपको बोल रहा हूँ कि जला देने वाली धूप, बहुत ही तेज धूप, आप वहाँ पर स्कॉर्चिंग सन का यूज करेंगे। नेक्स्ट गाइज हमारा फ्रेज है बाय बर्थ एंड नेचर, इसका हिंदी होता है जन्म और स्वभाव से, जन्म और स्वभाव से, बोलते हैं ना वह जन्म और स्वभाव से ही ऐसी है, वह जन्म और स्वभाव से ही बुद्धिमान है, इस तरह से।
तो ही इज एन एंग्री मैन बाय बर्थ एंड नेचर, वह जन्म और स्वभाव से ही गुस्से वाला व्यक्ति है। या फिर माय फ्रेंड इज हैंडीकैप्ड बाय बर्थ एंड नेचर, वह जन्म से भी स्वभाव से भी वह जन्म और स्वभाव से ही हैंडीकैप्ड है। शी इज ब्यूटीफुल बाय बर्थ एंड नेचर, वह जन्म और स्वभाव से ही सुंदर है। तो ये फ्रेज याद कर लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि ये सेंटेंसेस आपको इतने मीनिंगफुल लगे, लेकिन अगर आपको फ्रेज याद है बाय बर्थ एंड नेचर तो आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अब गाइस एक क्विक रिविज़न, या मैं कहूँ कि आपका एक छोटा सा टेस्ट है कि आप अब इनका हिंदी बताएंगे। लिव इट टू मी, आई विश आई कुड बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बाय बर्थ एंड नेचर, बाय द मर्सी ऑफ गॉड फॉर श्योर, सूनर और लेटर, ऑल ओवर द वर्ल्ड इन द स्कॉर्चिंग सन। आप इसका हिंदी बिना देखे बताने की कोशिश करेंगे कि क्या होगा इसका हिंदी और इनके सेंटेंसेस बनाएंगे। आई होप गाइस ये वाले फ्रेजेस आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है, क्लास अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ मेरी एप्लीकेशन है इंग्लिश विद खुशी, आप उसे इंस्टॉल डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर मेरा एक 99 डेज़ का कोर्स चल रहा है, जो आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।